अभी तक जो भी एल्बम्स हम लोगों ने कंपोज की थी वो आइटम गर्ल्स के इर्द गिर्द घूमती थी, और बड़ा आप कह सकते हैं एक रोमांटिक एल्बम, मुझे कई लोगों ने बोला कि एक एंगल होता है रोमांटिक, वो मिस होता था। तो ये एल्बम हम लोगों ने 9 गाने, मैंने जिना साहब को एक प्रपोजल दिया कि हम लोग मिलके एक ऐसा कुछ करते हैं जो मैंने अब तक नहीं किया है, एंड ही एक्साइटेड अबाउट इट एंड वी गॉट द आइडिया। और ये एल्बम बिल्कुल एक डिफरेंट तरह का एल्बम है जो शेजवुड ने अब तक के एल्बम किए हैं उनसे थोड़ा अलग लगेगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू डीजे शेजवुड एंड नवीन बत्रा जी ने मेरे ऊपर फेथ दिखाया कि मैं इस वीडियो में काम कर सकता हूँ और मैं इस कैरेक्टर को बखूबी निभा सकता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म इंडस्ट्री तो आपको पता है कितनी सड़ी हुई है और मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हूँ। सो आई गेस टैलेंट लोगों को यू नो ज़्यादा काम नहीं करता यहाँ पे एज़ फार एज़ गर्ल्स आर कंसर्न्ड, सो इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट अ फिल्म ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट। ये बहुत अलग सा गेटअप है मेरा। इट्स अ मिक्स ऑफ महमूद साहब एंड अमिताभ बच्चन ऑफ देश प्रेमी। ये थोड़ा लाउड करेक्टर था और हमने जितने भी एक्टर्स से इसके बारे में बात की उतना लाउड वो लोग उसमें नहीं प्ले करना चाहते थे। बहुत ज़्यादा लाउड है, आउट एंड आउट, आप लोग इंतज़ार करें कुछ नई चीज़ देखने के लिए मिलेगी। तो हिमांशु को मैंने आइडिया थ्रो किया, हिमांशु वॉज रेडी विद इट। आइडिया मेरा नहीं है, नवीन बत्रा और डीजे शेजवुड है, उनका आइडिया है। मैं तो इस आइडिया में फिट बैठ रहा हूँ कि नहीं बैठ रहा हूँ वो खुद बताएंगे। बारह 13 दिन हो गया कि मैं इस गेटअप में आने के लिए, थोड़ा वज़न कम किया है, थोड़ा मैंने चिन जो था बहुत थोड़ा पहले हेवी था उसको कम किया मैंने, और 12 दिन से डे नाइट डांस प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि वो गाना जब शूट होने जा रहा है तो उसमें कोई कमी नहीं आए, वो गाना परफेक्ट लगे। एक कैरेक्टर है जो हैदराबादी कल्चर वाला है और वो इस डिस्क में क्लीनर का काम कर रहा है, और अपने ड्रीम सीक्वेंस में वो मौशमी के साथ और डिस्कोथेक में क्या क्या गतिविधियाँ करता है वो इस कैरेक्टर का मेन जो इस वीडियो का मेन जो फोकस है। इट्स अ वेरी क्यूट वीडियो, इट्स अ वेरी स्वीट वीडियो, एंड ऑफ कोर्स आई एम देयर टू ग्लैमराइज इट बट नथिंग वल्गर। ये एक छेड़खानी भरा गाना है, इसको क्लब की बीट्स के ऊपर कंपोज किया है। जो इसकी खासियत है वो ये है कि गाने में एक एटीट्यूड है, मीन्स आप कह रहे हैं कि तूने कहीं की मोहब्बत निभाई तो क्यों निकली हट जाई, मीन्स अगर जो तू जा रही है तो जा। जो आजकल सब अप्रोच है आप देखते होंगे, हर यंगस्टर की अप्रोच यही है कि दे बिलीव इन देयर सेल्फ, तो गाना भी ऐसे ही है। वो जो कैरेक्टर है बड़ा लाउड कैरेक्टर है, तो सब कुछ ख्याल में ही करता है वो, रियल लाइफ में तो बहुत डरपोक सा कैरेक्टर है, तो वो ख्याल में ही जाके लड़की को छेड़ता है जो मौशमी उदेशी वो रोल प्ले कर रही है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कैची नंबर्स आई मस्ट से एंड इट हैज टू वर्क। जैना साहब को बड़े रेट्रो चीज़ें पसंद थी, ये शम्मी कपूर साहब के फ़ैन थे, और हम लोगों ने ये कोशिश की कि मिलके एक थोड़ी ऐसी चीज़ें मतलब जो अब तक हो रहा है उससे अलग हटें। तो ये जो आप इसमें एक करेक्टर देख रहे हैं जो करेक्टर थोड़ा सा अमिताभ साहब के एक गाने से ताने दिन तंदाना से मैच करता है, और मतलब कुछ करेक्टर ऐसा किया कि रेट्रो सेटिंग है पर जो म्यूज़िक का स्टाइल है वो तो टोटल वही है जो मैं शेजवुड जो जिस तरह का म्यूज़िक बनाता है वो स्टाइल वही है। देखिए उनके स्टेप्स अलग थे, जो खाली एक सिग्नेचर स्टेप जिसको बोलते हैं वो लुंगी उठाने का, वो एक जो है वो हमने उसमें से कॉपी किया है, बाकी क्योंकि इसकी बीट अलग है और वो उस गाने की बीट अलग थी, तो दोनों के बीट्स तो सेम नहीं है लेकिन उसके जो स्टाइल है हमने खाली स्टाइल फॉलो किया है।